हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, कंगना रनौत ने पिछले दिनों महेश भट्ट के ऊपर लगाए थे कई सनसनीखेज आरोप। अब महेश भट्ट के बचाव में आई हैं राइटर शगुफ्ता रफीक, जिन्होंने कंगना के लिए लिखी थी दो फिल्में। वेल दोस्तों, पिछले कई दिनों से कंगना रनौत बॉलीवुड के कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पर सनसनीखेज आरोप लगा चुकी हैं। कंगना ने ये आरोप मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट पर भी लगाए थे। कंगना ने आरोप लगाया था कि महेश भट्ट ने उनकी तरफ जूता फेंका था और उन पर हाथ भी उठाया था। हालांकि अब महेश भट्ट के बचाव में राइटर शगुफ्ता रफीक सामने आ गई हैं, जिन्होंने कंगना की दो फिल्में लिखी हैं, वो लम्हे और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। शगुफ्ता महेश भट्ट की कंपनी में लगभग 13 सालों से नौकरी कर रही हैं। शगुफ्ता ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना ने भट्ट साहब के लिए जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ वो सुनती आ रही हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि महेश भट्ट कंगना पर चिल्लाए ज़रूर थे, लेकिन उसके पीछे एक कारण भी था। हालांकि शगुफ्ता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि महेश भट्ट ने कंगना की तरफ कभी जूता फेंका था। उन्होंने कहा कि फिल्म वो लम्हे का ट्रायल चल रहा था और महेश भट्ट ने कंगना पर चिल्लाया था, और उसके पीछे कारण ये था कि वो शो में देरी से पहुंची थी। उस समय कुछ शूटिंग का मसला था और उन्होंने किसी फिल्म को करने से इनकार कर दिया था, जो जाहिर तौर पर कंगना का अधिकार भी है, लेकिन कंगना पुरानी बातों को सामने ला रही हैं और उसमें ऐसी बातों को जोड़ रही हैं जो कभी हुई ही नहीं थी। शगुफ्ता उस दिन की घटना पर आगे बात करते हुए कहती हैं कि उस दिन ट्रायल शो में पूरी यूनिट मौजूद थी, जिसमें मोहित सूरी, महेश भट्ट और बाकी के को स्टार्स भी थे। मैं वहां पर मौजूद थी और मुझे पता है कि महेश भट्ट कंगना पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाए थे, लेकिन ये सब उनकी आदत में शुमार नहीं है जैसे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। शगुफ्ता ने महेश भट्ट पर लगाए गए आरोपों पर सरे से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। मैं एक सिंगर हुआ करती थी, लेकिन महेश भट्ट ही हैं जिन्होंने उन्हें राइटर के तौर पर ब्रेक दिया, और उस दिन के बाद से उनकी ज़िंदगी बदल गई। और वो उन कुछ चंद लोगों में से हैं जो नए लोगों के साथ काम करते हैं और नए लोगों को मौका देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।